आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बेगूसराय में एक बार फिर मटिहानी विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह ने विवादित बयान दे दिया है, जहां जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उन्होंने बंदर तक कह दिया है। दरअसल नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने कन्हैया को उनकी औकात दिखा दी थी और उस बंदर का खेल खत्म हो गया था। चार कंधा तो बचा नहीं और लोकसभा चुनाव के नतीजे में 4 लाख वोट से पराजित होकर कन्हैया कुमार लापता हो गए। डेढ़ साल से वह वहां गए, किसी को पता नहीं। बोगो सिंह ने कन्हैया पर सवाल दागते हुए पूछा कि कोरोना के समय वो कहां थे। उन्होंने कहा कि उस बंदर से जाकर पूछिए कि कोरोना के समय में कहां लापता हो गया था। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। एनडीए में दो गठबंधन चल रहा है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। के कन्हैया, के कन्हैया सीपीआई के स्टार प्रचारक। आपसे तो हमारी मुलाकात हुई थी लोकसभा के वक्त, मैंने तो कहा था कि उस बंदर का खेल खत्म हो गया, चार कंधा तो बचे नहीं, रिजल्ट आ गए ना, 4 लाख से पराजित होके लापता हो गया। डेढ़ साल से कहाँ है वो, कोरोना के समय में। मानवता कहता है कि बेटा वही है, इंसान वही है जो अपने माता पिता के दुख को शेयर करने का कार्य करता है। उस बंदर से जाके पूछिए ये कोरोना के समय में कहाँ था। अच्छा विधायक जी, आप 4 बार विधायक रहे मटिहानी विधानसभा में, कौन सा ऐसा काम आपने किए हैं जो आप अभी तक आपका मलाल है अपने विधानसभा में? कोई मलाल,